तो फ्रेंड्स हमने खाना खा लिया है, तो खाना ख़त्म हो चुका है और मैं दिखा भी देता हूँ कि जिस होटल पे हम लोग आए थे खाना खाने के लिए वो दिखने में कैसा है। और यहाँ के जो स्टाफ है दोस्तों, इस होटल की देखिए, ये रहा कस्तूरी होटल। तो ये फैमिली रेस्टोरेंट भी है और होटल भी है, रहने के लिए शायद ऊपर की तरफ जगह है और नीचे की तरफ खाने की व्यवस्था है। तो खाना बहुत ही बढ़िया रहा, बिरयानी रहा, उसके साथ जो खट्टा दही होता है वो भी दिया, और प्राइस सिर्फ 140 रुपीज़ दोस्तों। उसके साथ अंडा भी था और चिकन का जो पीस वो भी बहुत बड़ा था। और फ्रेंड्स इस होटल की ख़ास बात मुझे ये लगा, बहुत ही अच्छा भी लगा, वो ये कि ये लोग बहुत ही हम्बल है और पोलाइट है और बहुत ही फैमिली टाइप का है। तो मुझे इन लोगों के साथ बातचीत करके बहुत ही अच्छा लगा। और ये देख लीजिए, ये रहा कस्तूरी रेस्टोरेंट। ये कहाँ पे है वो भी दिखाता हूँ, पहले ये देख लो दोस्तों, ये फ़ोन नंबर रहा कस्तूरी होटल का। तो आप, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, जब आप जब भी कभी पुरुलिया पे आते हो, पुरुलिया को विज़िट करने, एक्सप्लोर करने या फिर घूमने के लिए, तो इस होटल पे एक बार अगर खाना खाओगे तो सच में आप लोगों को अच्छा लगेगा, मेरी ये दावा है। और ये एकदम देखिए, जो ये मेन रोड है, ये मेन रोड के बिल्कुल एकदम पास में ही है, ये रहा कस्तूरी फैमिली रेस्टोरेंट। यहाँ पे वेज नॉन वेज देखिए सब कुछ मिलता है और खाना बहुत ही बढ़िया है, प्राइस भी बहुत कम है, और ऊपर से ये स्टाफ की जो नेचर है वो भी बहुत ही फैमिलियर और बहुत ही अच्छा है। तो ये यहाँ से पुरुलिया, मेन जो पुरुलिया है वो लगभग 10 से 15 किलोमीटर दूर है। तो आप जब भी कलकत्ता से राइड करते हुए पुरुलिया की तरफ जाओगे दोस्तों, तो सिर्फ पुरुलिया जब एंटर करते हो उससे पहले ही 10 या 15 किलोमीटर सामने ही आपको पड़ेगा ये कस्तूरी होटल एंड रेस्टोरेंट। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, और पुरुलिया को जब हम वहाँ पे घूमेंगे, पूरे जगह को हम ड्रोन से शूट करेंगे और जो है कैमरे से भी शूट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ बने रहो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।